वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 की बुक जो है थ्री मैन इन अ बॉट का लेसन है चैप्टर नंबर 17, उसकी समरी जो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस समरी को मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, तो आप उसको इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका मज़ा फ्री में ले सकते हो। तो इस चैनल का को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। तो चलो इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्लास नाइन के वीडियो देखने को मिलेंगे और आगे की जो है जैसे कि द ब्रूक है थ्री मैन के आगे के चैप्टर्स है थ्री मैन इन बोट के और भी सारे चैप्टर्स सारे आगे आने वाले हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तीनों आदमी जो है जेरोम हैरिस और जॉर्ज अपने क्लॉथ जो है वो थेम्स रिवर लंदन की जो फेमस रिवर है उसमें अपने कपड़े धोना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको सफलता इस तरह से मिलती है कि वो जब भी उसको धोना स्टार्ट करते हैं तो उसके चक्कर में वो और ज़्यादा गंदे कर देते हैं। सीधी बात है कि जब वो धोने जा रहे होंगे तो कपड़े और नीचे गिर गए होंगे तो और ज़्यादा गंदे हो गए, और फिर वो वॉशरमैन को जब स्ट्रीटी मतलब लॉन्ड्री करने के लिए जब देते हैं तो जो सी मतलब जो लेडीज़ होती है वो नॉर्मल रेट से उसके ऊपर 3 गुना ज़्यादा चार्ज अप्लाई कर देती है, क्योंकि वो उसका कारण बताती है कि तीनों के जो कपड़े जो थे वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे और वो तीनों लोग उसके सामने कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। उसके बाद तीनों जो है वो फिशिंग टाउन मतलब जो स्ट्रेटली टाउन जो था उसको फिशिंग टाउन के रूप में जेरोम है पूरा डिस्क्राइब करता है और बाद में रीडर को एडवाइस देता है कि नॉट टू फिश इन द थेम्स, वहाँ पे फिश पकड़नी मछलियाँ पकड़नी नहीं चाहिए क्योंकि जो पानी था थेम्स का उस टाउन के आसपास में वहाँ पे कुछ भी पकड़ने लायक चीज़ थी नहीं, सिर्फ वहाँ पे मिनोज थे और डेड कैट थी मतलब कि मरी हुई बिल्लियाँ थी, और मिनोज मतलब यहाँ पे उसका मतलब ये होता है कि खारे पानी में रहने वाली मछलियाँ और डेड कैट मतलब मरी हुई बिल्लियाँ थी मतलब कि कोई असली में वहाँ पे मछलियाँ जो खाने के लायक होनी चाहिए वो कोई भी मछली थेम्स रिवर में उस गांव के आसपास दिखाई नहीं देती थी। तो हम यहाँ पे एक एक्सप्लेन कर रहा है ऐसे अगर आप गुड एंगलर हो मतलब आप अच्छी तरह से मछलियाँ पकड़ सकते हो तो आपको वहाँ फिशिंग के साथ कुछ नहीं करना है, एंड एवरीथिंग डू विथ वंस एबिलिटी टू टेल बिलीव लाई अबाउट द नंबर ऑफ फिश। ये मतलब कि यह होता है कि हमें सिर्फ दूसरों के सामने झूठ बोलना है कि हमने इस रिवर में मतलब कि दूसरे जो लोग हैं उसके सामने झूठ बोलो और ऐसा बोल दो कि मैंने बहुत सारी मछलियाँ यहाँ इस थेम्स रिवर में इस गांव से पकड़ी हुई है और ये इसके सिवा कोई दूसरा एज ए गुड एंगलर के पास उपचार है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ तो मिलने वाली ही नहीं है। ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो जेरोम है वो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा है कि वो जब गया था वहाँ पर फिशिंग करने के लिए तो बहुत सारे मछुआरों से मिला हुआ था और वो लोग जो उससे मिले हुए थे उनने जेरोम को ये भरोसा दिलाया कि उसने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हुई है। जेरोम ये जानता था कि इस रिवर में इतनी सारी मछलियाँ तो है ही नहीं तो उन लोगों ने कहाँ से पकड़ी, लेकिन बाद में जेरोम को पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं मतलब मछुआरे जो है वो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोल के सबका मनोरंजन करते हैं क्योंकि मछलियाँ तो है ही नहीं। जॉर्ज एंड जेरोम बाद में वेलिंगफोर्ड के एक पब में जाते हैं मतलब वहाँ पे खाना जो होता है वो वहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत ही बड़ी ट्राउट मछली जो है वो वहाँ पे लटक रही होती है, उनको देख के लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी बड़ी ट्राउट मछली, और दूसरे जो वहाँ पे पैट्रन खड़े हुए होते हैं वो ऐसा क्लेम करते रहते हैं कि ये तीनों मछलियों को उसने पकड़ा हुआ है मतलब जो दीवार पे जो बड़ी बड़ी मछलियाँ लटक रही थी उनके लिए वो बता रहे हैं कि वो मछलियाँ उन तीनों ने पकड़ी हुई है। तो पता कैसे चलता है कि ये मछलियाँ उन लोगों ने नहीं पकड़ी हुई है, तो जब वो तीनों अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं मछली पकड़ने की तब उसमें पता चलता है कि जो मछलियाँ होती हैं उन तीनों का वेट है वो तीनों अलग अलग बताते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन सेम रहता है जो रियल में उसका वेट होता ही नहीं है। और जब एंड ऑफ द नाइट जॉर्ज ट्रिप्स एंड ग्रैब्स द ट्राउट टू स्टडी हिमसेल्फ मतलब कि जब जॉर्ज जो है वो बाहर निकलता है तो वो गिर पड़ता है और उसने खुद को बचाने के चक्कर में वो ट्राउट को पकड़ लेता है और जैसे वो ट्राउट को झकड़ता है और वो खुद खड़ा हो जाता है तब ट्राउट जो मछली है वो नीचे गिर जाती है, वो ग्राउंड पर गिरती है और पूरी बिखर जाती है टूट जाती है। तब जॉर्ज को और तीनों आदमियों को एहसास होता है कि वो जो मछलियाँ जो तीनों थी वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से
बनी हुई थी, मतलब कि डुप्लीकेट थी, नकली थी। तो ये था दोस्तों आपका लेसन 17, उसकी समझ आपको कैसे लगी मुझे रिव्यू देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।